ये कुछ सीन्स थे कंपनी गार्डन के, कंपनी गार्डन का व्यू था कुछ ऐसा। बट एक प्रॉब्लम है यार, सामान खुद कैरी करना पड़ता है, कहीं जगह नहीं है जहाँ पे रख दो, या फिर पैसे लेके कहीं रखवा ले। बोले सामान खुद कैरी करना पड़ेगा, बाइक में यार सामान कैसे कैरी करें यार, सोचने वाली बात है। लेकिन व्यूज़ एक नंबर है, मज़ा आया काफ़ी। यहाँ पे 20-25 मिनट और स्पेंड करते हैं, फिर निकलते हैं आगे जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। जोर से गिराया आपने। तो ये सब है कंपनी गार्डन, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। और वैसे भी आप हिली एरिया में आ रहे हो तो आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। तो अब आगे चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट एंड क्लाउड एंड कंपनी गार्डन होते हुए वापसी आ चुके हैं रूट पे। और जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ ना, उस रोड की कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार है, बट हमें जाना है। कहते हैं ना, जो रास्ता ख़राब होता है वो किसी अच्छी जगह पे लेके जाता है। तो ये भी बैटरी लो हो चुकी है, पहले एक बैटरी लो हो चुकी है, अब दूसरी बैटरी लगा दी, तीसरी बैटरी मैं बैग में ढूंढता हूँ, कहीं मेरे दूसरे वाले बैग में तो नहीं रखा है मैं जो छोड़। जॉर्ज एवरेस्ट का रोड बंद पड़ा है, उस पर कोई काम चल रहा है, बिकॉज वो रूट काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो आई थिंक वो रोड बन रहा है, अगर जाना है तो 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, वो करके जा सकते हो। लेकिन अगर मैं वो करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। क्लाउड एंड एक वो लोकेशन है, यहाँ से क्लाउड्स नीचे होते हैं और हम ऊपर, लेकिन आज तो धूप है, क्लाउड्स तो दिखने नहीं वाले। मैं थोड़ा सा गलत आ गया था, बट वो भी वैल्यू फॉर मनी ही था। जो लोकेशन थी भाई अल्टीमेट, आपने व्यूज तो देखे हैं लोकेशन के। अब पूछते हैं किसी से क्लाउड एंड किस तरफ है। बोल रहे हैं होली की छुट्टी, इसीलिए कैंटीन बंद है। बट आप बाकी कुछ देख सकते हो, जाके व्यूज़ देख सकते हो, एको पॉइंट पे जा सकते हो। तो चलो अब चलते हैं व्यू पॉइंट पे। यार 150 रुपये दे के आना थोड़ा ज़्यादा तो है, लेकिन आज रश नहीं है तो वैल्यू फॉर मनी कह सकता हूँ, बिकॉज मुझे शांत जगहें पसंद है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँगा। एक्शन कैम की बैटरीज तो हो गई हैं लो, एक को चार्ज लगा कर आया हूँ। आपको भी पता है बैटरीज चाहिए होती है, लेकिन एक बैटरी खो गई है, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने देखे होंगे पुराने बेड्स, पुराने सामान, थोड़ा सा आप देखो पुराने वो कुर्सियाँ वगैरह भी दिखाते हैं आप लोगों को। पुरानी मेरे बिल्कुल पीछे है, पुराने अलमीरा, सामान रखने की जगह, सारा कुछ पुराना दिखाते हैं आपको। हम
हम आए हैं क्लाउड एंड पे, लेकिन क्लाउड ही नहीं है यार। अगर यहाँ पे क्लाउड होते तो बारिश होती, बारिश होती तो इतना घूम ना पाते जितना हम घूम पाए हैं। इसके अंदर रहते हैं बड़े बड़े कुत्ते। ये कुत्ता आपने देखा, ये था हिमाचली भूतिया नगर। तीन इंसान उतना नहीं खाते होंगे जितना ये अकेला खाता है। आ चुके हम फोटो गैलरी में। ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, आवाज़ यहाँ पे भी गूंज रही है। यहाँ पे चारों तरफ बहुत सी फोटोज हैं, फोटोज हैं। आप चारों तरफ देखेंगे तो फोटोज ही दिखेंगे आप लोगों को। तो ये रहा वो पॉइंट, व्यू पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ से क्लाउड्स नीचे होते हैं और हम लोग ऊपर, लेकिन हम आज ऐसा नहीं है बिकॉज क्लाउड्स है ही नहीं। आप देख सकते हो उस पहाड़ का और इस पहाड़ का लेवल लगभग सेम लग रहा है, और उसके पीछे बादल वो नीचे लग रहे हैं उससे। तो ये क्लाउड एंड, तो ये सब कुछ था। क्लाउड एंड में म्यूजियम है, फोटो गैलरी है, व्यू पॉइंट है, एको पॉइंट है। ये चार चीज़ों के लिए 150 रुपये लेते हैं। तो अब मिलते हैं आपको आगे अगली लोकेशन पे। जॉर्ज एवरेस्ट हमसे मिस हुआ है, तो हम लोग एक ना एक किसी ना एक लोकेशन पे तो जाएंगे ना लाल टिब्बा के लिए। अगर यहाँ से नीचे जाते तो रास्ता जाता है जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। यहाँ पे होगा होलिका दहन। उधर क्लाउड एंड वाले रोड बिल्कुल खाली था और इस रोड पे बहुत सी भीड़ है। तो वो सामने जो वाइट वाइट पहाड़ दिख रहे हैं आपको, वो है लाल टिब्बा। जब सनसेट होता है तो लाल रंग का हो जाता है वो। अभी तक हुए हैं 4:30 और 2 घंटे में यहाँ पे वेट नहीं कर सकता, तो मुझे जाना चाहिए। कुछ ऐसा व्यू है सामने का। तो ये टेंट है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। कुछ खाएंगे अभी यहाँ पे बैठ के। भाई को बोल दिया, भाई कहता मैं बना देता हूँ आपको जो खाना आप बोलो, तो वो खाएंगे और फिर सो जाएंगे थोड़ी देर। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कल मैं मिलाऊंगा आपको यहाँ टेंट कैंप वालों से।